दोस्तों इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, मगर दोस्तों लंदन के मैदान पर भारतीय टीम पर जानलेवा हमला हो चुका है और हमले में 4 खिलाड़ियों की जान जा चुकी है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, इस समय इंग्लैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 469 रन स्कोर पर लगाए, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड ने 163 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों भारतीय टीम पहली पारी में 296 रन बना पाई, मगर दोस्तों दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 270 ही रन बनाने दिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए एलेक्स कैरी ने 66 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों आपको बता दें, इस समय भारतीय टीम 41 रन के स्कोर पर नाबाद है दूसरी पारी में एक विकेट खोने के बाद। मगर दोस्तों सभी क्रिकेट फैंस का कहना है कि इंडिया की टीम इस मुकाबले को हर हालत में नहीं जीत सकती, क्योंकि इंडिया की टीम पूरी हो चुकी है और इससे खेला भी नहीं जाता। यहाँ तक कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो भारतीय टीम में जगह ही नहीं दें BCCI, और इस तरीके से ये मानो कि भारतीय टीम पर क्रिकेट फैंस ने हमला सा कर दिया हो।